आहे पिच्चर से कैमरा वाले वो कह रहे हैं सुपर। सो पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि ये ट्रेलर वेलर तो यार हम लोग बोलते रहते हैं, ट्रेलर लॉन्च होते हैं, बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक्टर्स यहाँ स्टेज पे आने वाले हैं उनको छोड़ के मीडिया के काफी सारे लोग जो हैं वो भी तैयार होके आए हैं। आलोक भाई पगड़ी पहन के आए हो, कितना टाइम लगा आपको? सुपर, जवाब मिल गया मेरे को, बट आप लोग भी तैयार होके आए हैं। सो ये शादी का घर है और इस शादी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज शादी का नाम मुबारक एंड अनीस बाजमी फिल्म। इट्स अ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंटेशन, प्रोड्यूस्ड बाय सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शन एंड सिनेमन स्टूडियोज प्रोडक्शन। और ये शादी आप अटेंड कर सकते हैं 28 जुलाई को। तो ये जो आपकी चहकने की आवाजें आ रही हैं इसको अब रोक के मैं उनको बुला लूं अंदर। तो शादी बिना दूल्हे के बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो ढोल और नगाड़ों के साथ लेट्स वेलकम द दूल्हा चरण, ऑल्सो नोन एज अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर लेडीज एंड जेंटलमैन। खींच लो पहले खींच लो फोटो। पाजी बड़े डैशिंग कर रहे हो। थैंक यू। ये माइक नहीं चल रहा तो पाजी कितना टाइम लगा पग बांधने में? बहुत टाइम लगता है। आपने खुद बांधी किसी और ने बांधी? नहीं यार, वो रहे जो मुझे पग बांधते हैं। ये देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को, इनका नाम है सुखी। और अगर पग मैं हो जाता हूँ दुखी, सुखी की वजह से मैं रोज सुखी बाजी के लिए चक दे फटे। सुपर अर्जुन, आई स्वेयर टू गॉड मैन, बहुत कमाल लग रहे हो। आई थिंक ये पहली बार ऐसा है कि आई सीन यू। एक तो आई थिंक यू हैव बीन प्रिपेयरिंग टू प्ले अ सरदारजी रोल फॉर लाइक अ कपल ऑफ इयर्स। दाढ़ी बढ़ चुकी है, पग की बारी थी। Couple of years का पता नहीं, but for the correct film, and I think we should call the rest of the cast. Absolutely, भाई दूल्हा यहाँ पे आ चुका है, तो let's call the brides, जो दुल्हने हैं, so we are Sweetie and Binkle, Iliana de Cruz and Athiya Shetty. तालिया 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 तालिया। हेलो लेडीज, पहली शेट्टी एंड क्रूज हैं जो पंजाबी हैं। इट्स अमेजिंग। हाउ आर यू? हाउ आर यू मैडम्स? Very well. How are you? And Athiya madam, how are you? I'm also very well. No ladka ek ladkiya do, bahut confusion hai, ghor confusion hai. Ji bilkul.
तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक ही आदमी है। सुपर सर, लेट्स कॉल ऑन, मतलब यार आप वीरू गौतम गंभीर की बात करें, सचिन की बात करें सौरभ के साथ, बट देयर इज अनदर जोड़ी व्हिच कैन बी कॉल्ड द एग्जैक्ट सेम लेजेंडरी ओवर 20 इयर्स। तो लेट्स वेलकम द डायरेक्टर ऑफ दिस शादी मुबारक एंड ऑफ कोर्स करतार सिंह, अनीस बाजमी एंड अनिल कपूर। Full energy, full energy. Yeah. चाचू पग नहीं, आज हुडी पहन के आए हैं। इट्स अमेजिंग। अनीस सर थैंक यू सो मच, अनिल सर थैंक यू सो मच। एक सेकंड, वो भी मिलेगा यार आपको मौका। 23 साल हो चुके हैं, दीवाना मस्ताना की बात करें, वेलकम की बात करें, आप नो एंट्री की बात करें, ये जो रिलेशनशिप रहा, आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स। ये लो, आप ये वाला लीजिए। अरे ये हेलो, सारे भाई आप लीजिए। हेलो 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 हेलो, देखिए ये पुरानी बातों को छोड़ो, ये भूल जाइए अभी है। ये 1940 के आपके जो डायलॉग है, ये मेरी और अनीस की पहली फिल्म है। यस यस, क्या बात है, पहली फिल्म है ये, पहली फिल्म है। और ये जो होता ना कि पुरानी फिल्में वेलकम नो एंट्री वगैरह वगैरह जो भी हमने फिल्में की हैं उसे हम भूल चुके हैं। फर्स्ट डे ऑफ द शूट, ये हमारा पहला ट्रेलर का रिलीज है और हमारी ये पहली फिल्म है जिसका नाम है मुबारक। तालियां। हेलो हेलो, मेरे को कम से कम 35 साल हो गए चंबूर को छोड़े हुए। ये देखो मैंने सूट पहना हुआ, कौन है मेरी स्टाइलिश, कहाँ बैठी हुई है यार, उससे पूछ लो झकास बोलूँ कि नहीं बोलो कुछ तो यार। एक बार चलो ठीक है, इफ यू वांट सेड आई विल सेड, सो यू बेटर सेड फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट मैं ले लूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मानता हूँ तेरी पसंद को फादर, मस्का मस्का एकदम झकास एवरी टाइम विदाउट फेल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यार, देखो वंस मोर, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो यार, ऐसा वंस मोर, चलो एक बार बोल देता हूँ, वंस मोर विदाउट एनी आरटीजीएस, विदाउट एनी चेक। भूषण साहब आप मुझे कुछ पैसे वैसे दे रहे कि नहीं, बोल दूं, चलो फिर से वंस अगेन, इस बार मुबारक मुबारक झकास, मिल गया मोमेंट सबको अब। ऑलराइट, लेकिन ये आपकी पहली फिल्म है विद अनीस सर, लेकिन ये आपकी पहली फिल्म है अपने भतीजे के साथ। हां जी, तो ये तो मतलब जो केमिस्ट्री हमने देखी है, चाहे वो टीवी पे हो या दो तीन जो फोटोग्राफ्स अर्जुन ने शेयर किए हैं, और दिस टाइम पूरी फिल्म, इट्स अमेजिंग कि आप दोनों का फाइनली हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, दे रहा है दुरुस्त है, 5 साल हो गए। सर कैसे हैं ये ऑन सेट ऑफ सेट, लिटिल लेस गुड लुकिंग देन हिम? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। क्या बोलूं यार मैं, मेरी तारीफ भी कर सकते हो आप, मेरे को आदत नहीं है ना किसी की तारीफ करने की। मैं सिर्फ खुद की तारीफ करता हूँ, मगर इट्स बीन अ वंडरफुल 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 एक्सपीरियंस, एन इमोशनल एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद अर्जुन। क्या बताऊँ आपको, आई एम श्योर मैंने पहले भी कहा है कि यू नो कभी कभी होता ना कि यू नो किसी ने मुझे कल भी कहा कि कोई इंटरव्यू ले रहा था मुझसे, और मुझे उससे उन्होंने कहा कि यू नो स्टेट पर तुम लोग की कोई राइवलरी थी यू नो, क्योंकि चलो ठीक है यू नो रिश्तेदार हैं, ये मेरे बेटे जैसा है, ही इज़ माई ब्रदर्स सन। मैं उसको हमेशा, कभी मैंने अर्जुन नहीं बोला, मैं उसको हमेशा अर्जुन चाचू बोलता हूँ, मतलब आई एम ए सीनियर बेसिकली। नहीं मगर यू नो डेफिनेटली एक आई फील इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल था, यू नो आई वॉज कम्पेटिटिव, वी बोथ वर कम्पेटिटिव, वी वॉन्टेड टू डू अवर बेस्ट, पर कहीं ना कहीं हमेशा हर सीन से पहले मैं और अनीस हमेशा डिस्कस करते थे और बात करते थे, अनीस साहब कितनी बार हमने बात किया कि ये हम लोग अर्जुन के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, ये अर्जुन की बेस्ट फिल्म होनी चाहिए, और जब देखें बोनी साहब देखें, मेरी मम्मी देखें, और हमारे जितने भी फ्रेंड्स जब ये फिल्म देखें,
ये अर्जुन की सबसे कामयाब फिल्म होनी चाहिए, और जब ये कामयाब हुई थी जब मुझे और अनीस को खुशी होगी. दैट्स द स्पिरिट वी हैव मेड दिस फिल्म. सो 3 चीयर्स टू अर्जुन कपूर. अनीस सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने उनके साथ तो बहुत बार काम किया, बट अब ये चाचा भतीजा की जोड़ी है. अनिल सर, अनिल जी के साथ तो बहुत काम किया मैंने, और अर्जुन के साथ ये पहला मौका मिला, और मुझे ईमानदारी से बताऊँ बहुत खुशी हुई है. और इतना हार्ड वर्क इन्होंने किया है इस फिल्म में, और इतने मुझे लगता है जिस तरह की ये फिल्म है डबल रोल की, इस फिल्म के अंदर जो ये डबल रोल है, बहुत सी फिल्में मैंने खुद ने लिखी हैं डबल रोल, बट ये जो एक फिल्म में डबल रोल है, इसमें कुछ 62 मिनट्स का डबल रोल है, और जितने मुश्किल शॉट हम लोगों ने लिए हैं, मुझे लगता है कि फिल्म की और 20-25 दिन की शूटिंग और बढ़ती अगर अर्जुन नहीं होता तो. इसलिए कि बहुत आसान नहीं होता है, जैसे इस फिल्म में एक सीन है कि दोनों जो अर्जुन है वो चलकर बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले एक का शूट करते थे और वो एक जा रहा है तो जो दूसरा है उसको पता नहीं है कि भाई लुक कहाँ देनी है, डायलॉग उनके क्या है. तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस फिल्म के अंदर डबल रोल जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है, और अर्जुन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, बहुत मेहनत की है. और अनिल जी, इलियाना, आथिया, सारे लोगों ने जितना खुलकर काम किया है, जितने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, ये सारा आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आएगा. लेडीज, व्हेनेवर देयर आर टू एक्ट्रेसेस, पेपर्स में राइवलरी राइवलरी राइवलरी, यहां वो जोड़ी, ये जोड़ी, यू मस्ट हैव डेफिनेटली बिकम फ्रेंड्स, राइट? लाइक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फिल्म, नो राइवलरी, कि जोड़ियों के बीच में आप दोनों, मतलब आप दोस्ती तो करनी पड़ेगी. आई थॉट यू वर गोना आस्क अस अबाउट कैट फाइट्स. मैंने उल्टा सवाल उलट फेर कर दिया मैंने. बिल्कुल. कैट फाइट हुई किस किस बात को लेके हुई? खाने के मामले में. हां, एक्चुअली दैट्स ट्रू. खाने के मामले में. हाँ. कि वो जो एक रोटी आई है वो कौन खाएगा आज? नहीं, ये सब कुछ खा लेती थी यार. She's a shetty यार. That's why. No, honestly, we've had so much fun and it's been such a crazy journey. और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि when we started कब खत्म हुआ, and it's just been too much fun. And November में शुरू किया और अप्रैल में खत्म किया. Honestly, it's been too fast. It's gone too fast. And I can't wait to show you the trailer. But I think it would be incomplete without saying thank you to our producers, the rest of our actors who are here today, and everybody I think who's worked on this film to make it extremely, extremely special. I think you guys should see the trailer. हम बातें तो इसके बाद करते रहेंगे, but genuinely I think it's time we show. Yes. The fun that we've had, and hopefully people enjoy watching what we've put out there for them. So why don't you take a seat, or fir hum log trailer jo start karte hain. I'll take that. Wait here. Elena, I'll take that. Thank you. Mr. Anil Kapoor. So if you could join me back on stage. We'll be right back.
भूषण जी के लिए ढोल, भूषण जी के लिए ढोल नहीं बचाया तो ये म्यूजिक हमारा पॉपुलर नहीं करेंगे। और हमारे अन्नदाता साहब हैं यहाँ, थैंक यू वेरी मच ऑल द प्रोड्यूसर्स द एवरीबॉडी। एंकर कहाँ भाई, तेरे को पैसे मिले? नहीं, नहीं, को, एक सेकंड ना, बैठिए ना, बैठिए बैठिए, सब बैठ जाइए, बिकॉज हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है तो अब आई थिंक मैं अपने सवाल जो है उन पे स्टॉप लगाता हूँ और जितने भी सवाल मीडिया से आने वाले हैं उनका जवाब आप लोग देंगे। माय जॉब इज डन। ऑलराइट, सो सवाल आलोक का आना था पहले। आलोक पगड़ी बांध के आज बिल्कुल अलग अवतार में, आलोक आलोक तक प्लीज माइक पहुंचाइए। आलोक मैं फेंक ही देता, अपना ही दे देता। हाय अर्जुन, ताबड़तोड़ ट्रेलर बेहतरीन। देखा तुमने आलोक, तुमने तारीफ मेरी की ट्रेलर में और अनिल चाचू ने जैकेट उतार दिया, ये पहले उनको बोलना चाहिए था। अभी अनिल चाचू अगली बार से बोलेंगे झकास की जगह ढिशके आओ। तो सवाल ये है अर्जुन की डबल दोहरा अवतार कितना मुश्किल और क्या तैयारियां थी, अगर आप थोड़ा सा शेयर करें। देखिए पहली बार तो आई थिंक ऐसे जॉनर में डबल रोल करना ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाता है बिकॉज कॉमेडी की टाइमिंग, वैसे ही मेरा पहला मौका था कॉमेडी करने का इतने दिग्गज डायरेक्टर और दिग्गज कलाकारों के साथ, सो आई वाज एप्रिहेंसिव एंड नर्वस अबाउट बीइंग एबल टू गेट द परफॉर्मेंस राइट। एक होता है कि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे अनीस भाई कह रहे थे और आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, इट्स ट्रूली वन ऑफ अ काइंड डबल रोल। इसमें मिस्टेक इन आइडेंटिटी नहीं है, एक नहीं है कि एक जाता है और दूसरा आता है। आई हैव अपार्ट फ्रॉम अथिया इलियाना एंड अनिल चाचू बींग माई कोस्टर्स, आई ऑल्सो हैड अनदर कोस्टर दैट वॉज माई सेल्फ। I've spent more time talking to myself. I think log sochenge main pagal hu jab aap making dekhenge, because I used to have to perform the scene with all the actors, then they all used to have to leave and there were tennis balls put as markers. We used to have to follow a machine that was in place that used to show us the shot, and I would have to redo the shot from the other performance point of view, keeping in mind that the body double or sometimes Bali, our amazing writer who used to help me out by performing with me, so I used to have to do the scene again from the other point of view, but keeping in mind ki timing set ho chuki already, because pure scene ka meter set hone ke baad I would have to insert myself in the performance into it. So it was complex, it is complicated and it doesn't sound a lot of fun, but we had a lot of fun doing it because we had brilliant people. Jin logon ne hamara VFX kiya unhone Dhoom 3 ka VFX kiya tha, the YRF team, they are very 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 good. So what you saw Amir sir doing in Dhoom, it's on par with that because we got the people to do it. And as you can see in the trailer, maine bhi us din pehli baar ka trailer bade screen pe dekha, main dekhna chahta tha double role kitna real lag raha hai, kitna organic lag raha hai. And I can truly say, I think as a team we are all very proud of the fact ki the double role is genuinely seamless. Mehnat sab karte hain, mehnat jab rang lati hai to aur acha lagta tha. I'm very very happy ki dikh bahut acha raha hai. Atiya Iliana and Kapoor sahab, aap se bhi is journey ke bare mein jana chahenge kyunki aap log maximum shooting ISD hi kiye the, थोड़ा उसके बारे में बताएं। आईएसडी फॉरेन में मतलब, ओके आईएसडी। सो आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड आई फील या रियली ब्लेस्ड टू बी हियर राइट नाउ। इट्स माय सेकंड फिल्म एंड आई गेट टू वर्क विद पीपल लाइक अनीस सर, अनिल सर, इलियाना, अर्जुन, सो इट जस्ट मेक्स मी फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. And this journey has been absolutely amazing. I've had some of the most amazing times. And I've also learned a lot. You know, I've learned so much through the shoot, watching, observing. And I think that's really important for an actor. And yeah, so I'm extremely happy to be a part of this film. It's been fun. It's been really crazy. As you can see, the trailer, it's mad, it's crazy, it's fun. And I think more than anything, you know, jab itne sare actors hai, you need to have a nice sort of equation with each other to be able to, especially with comedy, you should be able to at least converse with them easily so you can improvise and stuff. And they were awesome. They were absolutely awesome to work with. Athiya and Meeta bonded from the beginning. There were no cat fights, as much as you would like cat fights. There were no cat fights. There were lots of fights with Arjun because, you know, we'll get to that later. He's the real but diva. Yeah. But it was so much fun. Anil ji was outstanding. Why are you set. Creating controversy when there is none? Yeah, please. Please, I'm begging you. Please, take it back. Arjun was really lovely to work with. Very diplomatic answer. He was really lovely to work with. A very supportive co-star. अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया. And Anil ji was outstanding. You were unbelievable. Like even on days when we were super tired, which happens sometimes, he was
His energy levels are like something else. It's like as though he pumps us up with an adrenaline shot or something. So he's awesome on set. And I think this has been an amazing journey. It's been so much fun. Anish ji probably has gone crazy dealing with all of us. But we've had lots of fun. So yeah, it's been awesome. Let's do part 2 soon. Yeah? Part 2, yeah. Yeah, okay. I think we should. Anish ji. मैं दो सवाल करना चाहता हूं अथिया जी से और इलियाना जी से. एक तो ये मुझे सर सर बोल रही है, मैंने कभी आपको साइंस पढ़ाया? मैंने मैथ्स पढ़ाया आपको. क्या मुझे मेरे को जो मैं इंग्लैंड में शूटिंग कर रहा था, मुझे एक सर का खिताब मिला, ये अनिल सर, ये अनिल जी, अनीश जी, क्या हो रहा है ये सब? वी जस्ट रिस्पेक्टिंग यू. एक्चुअली ही इज द रिस्पेक्ट मत दो मुझे, you know, don't give me so much respect. AK, what do we call you? Yeah, yes, AK. That's better. Okay, theek hai. AK for now. No, what I'm trying to say is, you know, it's been real, you know, as I said earlier also, you know, when you surround yourself with such talent and you surround yourself with, you know, the technical team, the production team, the actors, there is another youngster sitting over here, Pawan Malhotra Saab. There's Ratna Ji, who, you know, Ratna Ji plays my sister, and Pawan Ji plays my brother. And the bonding and the scenes which we have are absolutely wonderful, you know. You know, after a long time, we are doing a film which is a real family entertainer. Main aap logon se puchna chahunga ki aap koi bhi jawab de sakte hain. Aapne last ऐसी फैमिली, कोई फैमिली फिल्म एंटरटेनर देखी हो जो एक दादा अपने पोते के साथ, एक चाचा अपने भतीजे के साथ, एक डॉटर इन लॉ, एक बहू अपने मदर इन लॉ के साथ, एक पूरी फैमिली के साथ, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड अपनी जो इफ ही इज चीटिंग ऑन समवन, गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ, वो सब. या कभी कभी ऐसा भी है कि एक बॉयफ्रेंड अपनी दो गर्लफ्रेंड के साथ, यू नो. अभी फैमिली फैमिली की बात करते कहां चलेगा? नहीं नहीं, मेरा कहा ये सब नहीं, बट ये भी सब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म सबके लिए है. मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लास्ट ये बेटर है, ये सबके लिए, ये सबके लिए जितने भी है, मतलब इट्स ए प्योर प्योर फैमिली एंटरटेनर. और अनीश साहब की एक खासियत है कि आपको चाहे वो नो एंट्री हो, चाहे वो वेलकम हो, चाहे वो वेलकम बैक हो, चाहे मैंने जो फिल्में उनके साथ जो इन्होंने लिखी भी थी, दीवाना मस्ताना, लाडला का कुछ फिल्में तो मुझे अभी याद, नाम भी याद नहीं है, मगर ये जो इन्होंने फिल्में लिखी हों, जो मैंने इनसे किया कि एक डबल मीनिंग डायलॉग नहीं होगा, एक ऐसा डायलॉग नहीं होगा जो आप पूरी परिवार के साथ देखेंगे और बोले यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, ऐसा आपको कभी नहीं. फिर भी उस मासूमियत के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं, इंटरटेन हो सकते हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लास्ट आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है लास्ट? वेलकम बैक. उसके बाद कोई भी नहीं? मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वही है कि नो एंट्री है, वेलकम बैक है, यू नो, ये सारी फिल्में हैं जो आप कहीं से भी शुरू कर दो, टेलीविजन पर, बीच से, बिगिनिंग से, आप फिर भी आप एंटरटेन होंगे. और वही मुझे हम लोगों ने कोशिश की है मुबारक में करने की कि आप ये फिल्म सबके साथ देख सकते हैं. सो इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू वर्क with one of the greatest talents of our industry, Anish Basmi. Anish ji, mera sawal aapse hai. Here, Bhavna. Ji, ji. Aap mooltah writer hain. Uske baad aap nirdeshak bane. Aur aapki jitni bhi aapne filmein likhi hain ya direct ki hain, usme star cast bahut bada hota hai aur sabka kuch na kuch special kirdar rehta hai. तो इतने ढेर सारे किरदार को लेकर जब आप फिल्म बनाते हैं तो एडिटिंग टेबल पे कितनी मुश्किल आती है, क्योंकि सारे के सारे एडिटिंग टेबल पर तब मुश्किल आती है जब आप स्क्रिप्ट जब लिखते हैं, वहाँ अगर आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि ठीक है शूटिंग पे देखेंगे, चलिए एडिटिंग टेबल पे देखेंगे, बट अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है उस वक्त जब एकदम क्लियर होती है तो मुझे लगता है कि वो फिल्म जो है वो एक ही जगह बनती है स्क्रिप्ट लेवल पर. उसके बाद एक एग्जीक्यूशन होता है और एडिटिंग में सिर्फ
जोड़ना होता है, थोड़ा बहुत ठीक करना होता है, तो मुझे कभी भी इतनी तकलीफ नहीं आई और ना ही इस फिल्म में आई है एडिटिंग टेबल पर, इसलिए कि जो लिखा था उसी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से शूट किया है और वही जो है एडिटिंग में रखा है। अर्जुन आपके सामने, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण जी आपके सामने यहाँ है आप। यार मेरे सामने इतने सारे लोग हैं कैमरे के पीछे, कैमरे का अच्छा उतना या, या, या। हाँ हाँ दिख गए दिख गए जी। अर्जुन अथिया और जो भी मतलब लोग हैं इसमें, आप सबकी जिंदगी में सबसे पहला मुबारक मोमेंट क्या था जो आपने ऊपर वाले को या फिर जिनको आप मानते हैं सबसे अपना मतलब अजीज या फिर मतलब आई थिंक उनको मेरे लिए सबसे बड़ा मुबारक मोमेंट था, मैं 10th पास हो गया तो मैंने मैंने बोला हाँ मैंने बोला मुबारक का चलो आज घर पे मारनी पड़ेगी, तब वो तो मुझे याद है। कितने परसेंट थे वो याद रखना जरूरी नहीं है ना, कुछ चीजें भुलाई जा सकती है। अनिल सर आपका? मेरे लिए तो हर रोज एक मुबारक मोमेंट है, हर रोज एवरी डे, हर रोज हर वक्त हर सांस, हर सांस मैं जब लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मुबारक मुबारक एक सांस मिल गई मुझे। अथिया आपसे एक सवाल था कि हीरो से मतलब ग्रैंड एंट्री करने के बावजूद भी आप काफी मतलब अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं, ऐसा क्यों?